नमस्कार। जंतर मंतर पर आज देश के तमाम सैनिकों ने धरना प्रदर्शन किया है। एक बड़ी संख्या में आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जंतर मंतर आज भर चुका है। देश के वो सैनिक हैं जो देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, अपने आप को बलिदान कर देते हैं। लेकिन आज ऐसी क्या परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि जंतर मंतर पर वो तमाम सैनिक जो अपनी सेवाएँ दे चुके हैं देश की रक्षा के लिए, आज उनको यहाँ पर इतना बड़ा प्रदर्शन करना पड़ रहा है। यह प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि देश के सैनिक के साथ ही अगर कुछ गलत होता है तो बहुत बड़ा विषय बनता है। तो आइए जानते हैं कि किन प्रमुख मांगों को लेकर आज जंतर मंतर पर इतना बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। आज जंतर मंतर को इतने बड़े व्यापक रूप से तमाम जो पूर्व सैनिक है उनके द्वारा घेराव किया जा रहा है, विषय क्या है आपका? विषय सबसे पहले मैं बता दूं, मैं बॉम्बे सैपर से रिटायर्ड सुविधार कृष्ण गोदारा भीम अवार्डी हूं, एशियन गेम का गोल्ड मेडलिस्ट हूं कबड्डी के अंदर। ये जो आज भीड़ इकट्ठा हुआ है, ऑल ओवर इंडिया से यहाँ आए हैं सारे एक्स सर्विसमैन हैं। इनके साथ नाइंसाफी ये हुई है कि जो वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा जो हमें 2014 के अंदर जो मिलना था, उसके बाद सेवंथ पे कमीशन के अंदर जो हमारा डिक्लेयर हुआ था उसके अनुसार पे हमारा लागू नहीं किया इन्होंने। इन्होंने दो कैटेगरी बना दी, ऑफिसर्स को अलग कर दिया और जेसीओ ओआर को अलग कर दिया। जेसीओ ओआर के अंदर भी इन्होंने क्या किया है कि जो सिपाही से हवलदार तक हैं उनको कुछ पैसा डाल के उनके अकाउंट्स में, ये हमारे भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश कर रही है सरकार, दो फाड़ करने की कोशिश कर रही है सरकार कि एकजुट रहेंगे तो सरकार के लिए खतरा है। इसमें जो हवलदार एंड अबो नायब सुविधार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट ऑनरी कैप्टन जो भी पेंशन आए हैं उनको एक पैसा भी इंक्रीमेंट नहीं बढ़ा है उनका बल्कि कम किया है। जो आज एक नया जवान जो आ रहा है उसके हिसाब से इन्होंने उनका कम किया है बढ़ाने की बजाय, जबकि ऑफिसर्स को जो है वो नियर अबाउट 18 से 20 हज़ार रुपया पर मंथ पेंशन जो है उनका बढ़ाया है। अच्छा, 2014 में आप लोगों ने वन रैंक वन पेंशन के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, तो उस समय सरकार ने आपकी मांगों को मांगा था, सरकार झुकी थी और आपकी मांग पूरी हुई थी। तो आपको क्या लगता है कि कहीं वही टारगेट तो नहीं आप करेंगे? 2024 का इलेक्शन आने वाला है, आपकी मांग उठेगी तो सरकार को मांग माननी पड़ जाएगी। इसके पीछे हमें मंशा यही लग रही है सरकार की कि ये हमारे को तंग करके फिर हमारे आगे टुकड़ा फेंकें। लेकिन इस बार जो हमारे एक्स सर्विसमैन है ये उस मूड में नहीं है, सरकार कितना ही यत्न कर लेना लेकिन ये लेकर मानेंगे और हम सरकार के साथ नहीं देंगे इस बार। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं और रक्षा मंत्री हमारे कि भारतीय सेना जो है वो टॉप लेवल पर गई, तमाम सुविधाएं आपको दी जाती हैं, तो फिर आप लोगों को इस तरीके से प्रदर्शन करना, प्रश्न चिन्ह खड़ा करना क्यों? कुछ एक अधिकारियों को बरगलाकर इन्होंने भारतीय सेना को भी अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश की है। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आर्मी के अधिकारियों को इन्होंने मीडिया के सामने बिठाया। सेकंड, जो अभी जनरल वीके सिंह हैं, इन्होंने आपको ध्यान होगा 6 महीने अपनी सर्विस एक्सटेंड कराने के लिए एक कोर्ट में गए थे जी, और यही आज वकालत कर रहे हैं कि ये जो 4 साल वाला अग्निवीर। हाँ, ये सवाल उठा, अभी ये सवाल मैं लेने ही वाला था आप लोगों के बीच में कि आप सैनिक हो, आपने सेवाएं दी हैं फोर्स को, तो देश में हमारी अग्निवीर की योजना लाई गई जिसमें मात्र 4 साल का नौकरी दिया जा रहा है जवानों को, और आपने एक लंबा पीरियड बिताया सेना के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि जो 4 साल जिन बच्चों को भर्ती किया जाएगा उनके अंदर अपनी ड्यूटी को लेकर, अब देश को लेकर वो जज्बा होगा जो एक लंबे पीरियड की नौकरी के अंदर होता है? ये भी देश को गुमराह किया जा रहा है। मैं फैक्ट बताता हूँ, अगर 100 जवान लगेंगे उसमें से 25 जवान RSS के लगेंगे। होम मिनिस्ट्री जो है वो लिस्ट जारी करेगी, इनको भर्ती करो, उनको ये भर्ती करेंगे। आर्मी में आरएसएस आर्मी के अंदर जाएगी अग्निवीर के रूप में, और 4 साल के बाद 75% जो जवान एक्चुअल जो भर्ती होंगे उनको बाहर करेंगे और आरएसएस को ये अंदर एंट्री देंगे और उनको रेगुलर करेंगे, और आने वाले 7-8 साल के अंदर 100% जो है वो देश की सेना जो है वो सरकार की मुट्ठी में होगी आरएसएस के रूप में। देखिए, ये बहुत बड़ा मतलब एक जंतर मंतर पे आज आप इसे खुलासा कहिए, इनका एक सैनिक है ये भी, ऐसे नहीं कोई आम नागरिक है, कोई विपक्ष का है, कांग्रेस का है, इनका सैनिक, और सैनिक का ये आरोप है कि आरएसएस के लोगों को 4 साल की जो भर्ती है अग्निवीर की योजना उसमें भर्ती किया जा रहा है ताकि जब वो रिटायरमेंट के बाद आए तो आरएसएस के पास एक फौज हो जो देश को आगे चला सके। तो अंदर खाने से ये
कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ये वीडियो अगर सक्षम लोगों तक जाती है तो आप जरूर ध्यान दें, देश के मुखिया ये कितना बड़ा सवाल खड़ा होता है। आपने ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया कि आरएसएस के लोगों की एंट्री की जा रही है और सेना के ऊपर कब्जा किया जा रहा है। सेना के ऊपर 100% कब्जा करेगी सरकार। सरकार ने छोड़ क्या रखा है ये बताओ। मीडिया 100% सरकार की मुट्ठी में है। एक एनडीटीवी खिलाफत करता था, एनडीटीवी का क्या हाल किया है वो आप लोगों ने देख लिया। जुडिशरी को देख लो आप, जुडिशरी को जिन सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने गोधरा कांड का डिसीजन दिया था, जज लोडा का डिसीजन दिया था, उन सबको प्रमोट किया है इस सरकार ने। राम मंदिर के फैसला देने वाले को राज्यपाल बनाया गया, राज्यपाल बनाया गया, जिन्होंने इनके फेवर में डिसीजन दिया, अमित शाह तड़ी पार डिक्लेयर किया हुआ था उसके फेवर में, जिसने डिसीजन दिया उसको आज राज्यसभा का मेंबर बना दिया है, उसको राज्यपाल बना दिया है, जजों को टॉफियां बांट रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है जुडिशरी? आपको लग रहा है कि सेना का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है? 101% सेना का राजनीतिकरण किया जा रहा है। मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ कि ये जो 4 साल वाला है इसमें 2 साल तो ऑलमोस्ट ट्रेनिंग का पीरियड होता है, उसके बाद रेगुलर जो होंगे वो आरएसएस के लोग होंगे, जैसा सेना सरकार कहेगी वैसा सैनिक रहेंगे। ये बात कहा इस पे, देखिए अग्निवीर योजना के ऊपर राहुल गांधी भी सत्र चल रहा था देश का, जब संसद सत्र में संसद सत्र में राहुल गांधी ने कहा था कि ये जो वीर जो सैनिक 4 साल बाद रिटायर होंगे वो टेंट एक नौजवान होगा, उनको बंदूक चलाना आएगा, तमाम स्पाई वर्क में वो एक्सपर्ट होंगे, तो देश के लिए खतरे होंगे कहीं ना कहीं। तो आपको क्या लगता है उनका इस तरीके का बयान सही है? एक बात बताऊं आपको, बिपिन रावत जी को CDS फर्स्ट टाइम बनाया गया था, वो कहाँ के थे? गढ़वाल। गढ़वाल अब जो CDS बनाया है उनके स्वर्गवास होने के बाद वो कहाँ से हैं? गढ़वाल। गढ़वाल तीन जनरलों को सुपरसीड करके, तीन लेफ्टिनेंट जनरलों को सुपरसीड करके उसको बनाया गया, फिर दोबारा गढ़वाल। ये क्या हो रहा है? राजनीति करनी है क्या सेना का? वो भी रिटायर्ड को ये राजनीति करनी है? अच्छा एक चीज, मैंने अभी तमाम आप लोग के सैनिकों से मैंने बात किया, और बताऊं फर्स्ट टाइम हम ऑलमोस्ट बॉम्बे सेपर से ज्यादा लोग यहाँ खड़े हैं, बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप से। बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप एक कोर है, उसका जनरल फर्स्ट टाइम बना है इंडियन आर्मी का, वो भी गढ़वाली है। अच्छा एक चीज, मैंने तमाम सैनिकों से यहाँ पे बात की, आप लोग के बीच में एक प्रश्न खड़ा हो रहा है कि 97% आप लोग सैनिक हो ठीक है, लेकिन 99% जब मेडल दिए जाते हैं तो वो अधिकारियों को दिए जाते हैं, तो ये किस तरीके की चीज है? इस पर कुछ आप थोड़ा पब्लिक के बीच में परसेप्शन को क्लियर करिए, क्या है ये चीज? ये जी हिंदुस्तान में एक आर्मी ऑफिसर्स का ये हाल है, आज हमारा जवान भगवान ने ना करे वो प्यारा हो जाए, उसकी मैडम को 9,000 रुपये मिलते हैं पेंशन, फैमिली पेंशन सैनिक को। हाँ जी, सैनिक की विधवा को और ऑफिसर की विधवा को 75,000 रुपये मिलते हैं, देखो कितना फर्क है। मतलब अधिकारी और सैनिक के विधवा में भी अंतर है। हाँ जी, सैनिक की विधवा विधवा नहीं है और अधिकारी की विधवा विधवा हो जाती है। 9,000 कहाँ 75,000, फर्क देखो आप। एक हमारे एक ऑफिसर लड़ाई लड़ रहा है, एक जवान लड़ाई लड़ रहा है, दोनों यदि घायल हो जाते हैं तो जवान को मिलती 11,000 डिसेबिलिटी पेंशन और ऑफिसर को मिलती है 2,50,000 रुपए। देखिए आप देखिए कितना फर्क है। मतलब अगर हाथ पैर भी कट जाता है आपका तो मतलब अगर बड़े अधिकारी का कटता है तो 1,00,000 रुपए और सैनिक के कटते हैं तो 10,000 रुपए। और फिर आप ये देखिए, मैं कश्मीर में रहा हूँ, मैं उग्रवाद में रहा हूँ, जब हमारी कानवाइयाँ चलती थी आगे पीछे हम होंगे जैसे दो बार, ऑफिसर बीच में होगा ताकि लड़ाई आगे से मेरे वो मरे पीछे से मेरे वो मरे। अरे उसको क्या तंगी है, वो MSP ले रहा 15,500, हमारे को मिल रही 500 रुपये। मेहनत हम करते हैं, लड़ाई हम लड़ते हैं, मौत हमारी आती है और मेडल उनको मिलते हैं। आप बताइए कहाँ क्या न्याय है, कहाँ का न्याय है? ये ऑफिसर ने हमारे साथ क्या क्या किया है? अभी ये पेंशन क्या कर रहे हैं बताओ आप? अब सेना में देखिए, हम लोग समझते थे आम पब्लिक के अंदर परसेप्शन यही है कि सेना एक होती है, लड़ाई हम लड़ते हैं, सेना के अंदर भी देखिए किस तरीके से दोहरा चरित्र है कि मरता तो सैनिक है लेकिन जब मेडल लेने की बात आती है तो तमाम अधिकारी जो अपने ऑफिस में बैठते हैं उनको मेडल दिया जाता है। दर्द है, एक एक ऑफिसर 4-4 में अपने बैटमैन रखता है, एक बीबी के कपड़े धोने के लिए, एक कुत्ता घुमाने के लिए, एक गार्डन के लिए, एक रोटी पकाने के लिए। इसमें तो सवाल खड़ा होता है, इसमें सवाल लड़ाई के लिए जो आप कह रहे हैं कि
वीवीआईपी कल्चर चल रहा है। हाँ जी। हमारे ही देश के रक्षा मंत्री ने इस पे बयान दिया था और प्रधानमंत्री ने भी कि हमने सेना के अंदर से जो वीवीआईपी कल्चर है उसको खत्म कर दिया है। नहीं किया। क्या ये झूठ है कि सही है? नहीं किया, और बढ़ा। अभी भी वीवीआईपी कल्चर चल रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, खत्म हो गया ग्राउंड ज्यादा बढ़े। कल्चर अभी सेम है, कोई बदलाव। एक मिनट, मैं आपको बताऊं, मैं जनवरी 1979 में फौज में गया था, ठीक है जी। उस टाइम पे इतना ज्यादा नहीं था, उस टाइम पे हमारे जयशोद रैंक की इज्जत होती थी, नायक की इज्जत होती थी। आज कुछ भी पावर नहीं है जयशोद के पास या उसके पास, क्योंकि उनके पास एशियार है, वो थोड़ा कुछ करेगा, एशियार खराब करेगा, उसका प्रमोशन गया, इसलिए एक आदमी को दुखना पड़ता है। आप लोग जिस तरीके से कह रहे हैं, आपकी बातों से ये लग रहा है कि पूरी आर्मी को, पूरी सेना को, देश को चंद मुट्ठी भर हाथों में सिमटाया जा रहा है, हाईजेक किया जा रहा है। इधर आ जाइए, थोड़ा बात। तो अगर मुट्ठी भर लोगों अगर सेना को चलाएंगे तो फिर सेना काम कैसे करेगी? चलाए वो चलाए, लेकिन जरा तरीका होना चाहिए ना उसको चलाने का। इधर आ जाए, थोड़ा इधर आ जाए, आप जो बात कर रहे हैं। चलाए हैं, कमांड हर जगह होता है, जैसे गांव में सरपंच होता है, वो सरपंच जनरल पंचायत को चलाता है, लेकिन पंचायत को भी चलाने के लिए एक तरीका होता है। ये तरीका नहीं है कि जनरल मनमानी मर्जी करता है। भेदभाव नहीं होना चाहिए, पंचायत चलाओ लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए। पंचायत में आप ये ना करो कि एक गली को आप एकदम चमचमा के मार्बल कर दो, दूसरे का सब उखाड़ डालो। दिक्कतें ये होती है, दिक्कत ये बदलाव होना चाहिए। 6 लाख ले गए, हमारे को 6,000 भी नहीं मिले, बताओ 6 लाख है क्या? हमारे बच्चे नहीं है क्या? इसमें मैं कैप्टन से रिटायर हूँ, 2011 में पेंशन आया था, हमें -14 रुपीज है, 41 रुपए माइनस है अभी हमारे को। जवानों जवानों को एक टुकड़ा फेंक दिया, 500 रुपए 600 रुपए 700 रुपए कुछ ऐसे करके, जैसी उसको कुछ भी ही नहीं दिया, और एक कैप्टन जनरल या मेजर से लेकर के और जनरल तक को 10,000 से लेकर 25,000 रुपए तक का, 50,000 बेसिक। आप लोगों के बीच से एक कुछ सैनिकों से जब हमने बात किया, मैं आ रहा हूँ उनके पास, मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि जो आपको सुविधाएं मिलती हैं कैंटीन से, उसमें भी 50% केवल अधिकारियों को चले जाते हैं और 50% में जो पूरे सैनिक हैं उनको वो सुविधाएं दी जाती है। ज्यादा ऑफिसर्स ले जाते हैं, जो उसका कंट्रीब्यूशन होता है, जो प्रॉफिट होता है वो ऑफिसर्स के लिए ज्यादा जाता है और जेसीओ जवान के लिए बहुत कम, मतलब एक माइनर सा उनको प्रॉफिट जाता है, नहीं तो सारे ऑफिसर्स के लिए चला जाता है। क्या कर रहे हैं ये जो है, इन्होंने जो पेमेंट का किया फॉर्मूला अफसर को 2.81 से दिया है, जेसीओआर को जो 2.57 दिया है, इन्होंने फॉर्मूला ही इन्होंने चेंज कर दिया है, और जेसीओआर का तो जो है कि माइनस में जा रहा है और इनको 20,000 रुपए बेसिक मिल रही है। 5 सालों में जो इंक्रीमेंट होना चाहिए 3%, वो भी नहीं मिला है, वो भी माइनस में चला गया, जबकि पेमेंट और जो पेंशन कभी माइनस में नहीं जाती है, इन्होंने माइनस में कर दिया। बताओ ये कैसे फॉर्मूला है? 3% जो इंक्रीमेंट होना चाहिए उसको डाउन कर दिया, 5 साल में हुआ ही नहीं। ऐसा ही किया इन्होंने, जो पेमेंट फैक्टर बढ़ाना चाहिए था, जो रेशो बढ़ाना चाहिए था, सभी का बराबर होना चाहिए था, 2.81 जन ऑफिसर्स लेकर के चले गए, जो जेसी और जवान के लिए 2.57 कर दिया। ये बहुत बड़ा अंतर है, इसी वजह से हमारी बेसिक में बहुत अंतर पड़ा है। एक मिनट, उसका भी ये देखिए, मैं थोड़ा बीच में काट रहा हूँ। जब हमारा आर्मी का पे कमीशन से पे कमीशन डिक्लेयर किया था, इन्होंने ऑफिसर को कम दिया था, ऑफिसरों ने बोला कोई आर्मी का जवान या ऑफिसर तक वो नहीं लेगा ये अपना पे कमीशन। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अफसरों ने अपना 2.81 ले लिया और हमारा 2.57 कर दिया, फिर अफसर बोलते ले लो भाई। अरे तुम 3% हो यार, 97% को तुम गला घोट रहे हो, ये कहाँ का हुआ है? लेकिन इसमें क्या इशू है बेटा? जो ओआरओपी 1 में अभी 20 साल सर्विस एक हौलदार करता है, उसकी पेंशन है 18,000। एक 25 साल नौकरी कर्नल करता है, उसकी है 1.5 लाख। तो उसके क्या, उसको ज्यादा उसको मेहनत कर दिया, मेहनत करी है उसने, जबकि एक मूर्य हमेशा सिपाही से लेकर के हौलदार तक ही होता है, ठीक है? नहीं ये तो पीछे बैठे हैं, तो ठीक है कमांडर होना चाहिए, नहीं थोड़ा बहुत फर्क होना चाहिए, लेकिन इतना फर्क तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, यही सवाल खड़ा होता है कि 4 साल के लिए अगर सैनिक तो 4 साल के लिए अधिकारी क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल 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 सही बात है, अधिकारी भी 4 साल के लिए। ऐसा है, जो लड़ाई में मेडल दिए जाते हैं, एक चीज लड़ाई में जो मेडल दिए जाते हैं, एक कैप्टन के सिवाय कोई भी अफसर
नहीं जाता है, कैप्टन को रातों रात मेजर बढ़ा देंगे, फील्ड मेजर बढ़ा करके उसको कंपनी कमांडर बढ़ा करके भेज देंगे। फिर एक बार मेरे हुआ था जब मैं रिटायरमेंट आ रहा था, उस टाइम एक मेजर साहब आए थे, बोला जने 99 के अंदर जो वार था कारगिल का जो लड़ाई थी उसमें जेसीओज नहीं मरे, जेसीओज में बोला क्यों मरेंगे, जेसीओज घुटने रगड़ रगड़ के 20-22 साल में जेसीओ बनता है, और एक कैप्टन आया है, लेफ्टिनेंट आया है, उसको रातों रात दो पैक दारू पिला करके, मैं बोल रहा हूँ सरेआम बोल रहा हूँ, दो पैक दारू पिला करके रात को फील्ड कैप्टन बना दिया, उसको कंपनी कमांडर बना करके भेज दिया। एक जेसीओ है, एक मिनट, एक ऑन ग्राउंड सर्विस करता है जेसीओ, जेसीओ बनता है ऑन ग्राउंड सर्विस करता है। एक जेसीओ बोला साहब यहाँ से मत जाइए, यहाँ इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी, यहाँ पर हमारे ऊपर एम्बुश हो सकता है। बोला नहीं मैं अधिकारी हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वहाँ से चलो। उस अधिकारी ने एक एक यूनिट को, एक एक पूरी कंपनी को जो है वहाँ पर जो है डिस्ट्रॉय करवा दिया, मरवा दिया, एक पूरी 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 की पूरी कंपनी को, एक एक यूनिट है जो दोबारा रेज करनी पड़ी है इंडियन आर्मी की जो है 99 के बाद। आप हाँ मैं बता रहा हूँ, आप ये कह रहे हो कि आप जैसे जेसीओ से प्रमोट हुए, ठीक, जेसीओ बने, तो फिर भी आपको लड़ने में ये संकोच होता है कि मात्र एक साल पहले मुझे बनाया गया रिटायरमेंट से। तो अब सोचिए कि जो जवान मतलब अग्रिवीन योजना के तहत 4 साल के लिए भर्ती हो रहा है और बीच में अगर लड़ाइयाँ छिड़ जाती है तो क्या वो उस जोश जुनून के साथ लड़ाई करेगा, नहीं कर पाएगा? बिल्कुल, ऑफिसर जो है ना, आपको पुराना बताता हूँ, 1975 से पहले जो एक जवान रिटायर होता था उसको उसकी तनख्वाह का 75% जो है वो पेंशन के रूप में मिलता था, ऑफिसर्स को था 50%। इन्होंने हमारे साथ 30% इन्होंने 30 से 50 करवा लिया, जवान का 75 से 50 लेके आगे, मतलब जवान का माइनस हो गया इनका प्लस। फर्स्ट देखो उस टाइम भी जवान नहीं बोले, चलो हम 50 में बराबर आगे। उसके बाद अधिकारी को फ्री राशन नहीं था आर्मी के अंदर, राशन जो है पेड खाना पड़ता था इनको अपने पेमेंट का, इन्होंने वहां भी अपना राशन फ्री करवा लिया, जबरदस्ती अपना राशन, अब जो है राशन फ्री करवा लिया। एक जवान जो है वो बाउंड होता है 17 साल की नौकरी के बाद, वो उसको पेंशन आना पड़ता है, उसके बाउंड होता है वो 35-36 साल की उम्र में आ जाता है। एक अधिकारी जो है वो 58 साल एज तक सर्विस कर सकता है, और ये हक मांग रहे हैं जवान के साथ, जो 35 साल की उम्र में जो आ गया उसके बराबर मांग रहे हैं, उससे 3 गुना ज्यादा ले रहे हैं हमारे ओआरओपी के अंदर। ये हाल है ओआरओपी को निकाला। खबर हमारी आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।